हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित सर और स्वागत करता हूं आपका जीएसटी की ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चे पूछते हैं सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपके सामने हाजिर है एग्जाम वाला क्वेश्चन। आइए पढ़ते हैं। मिस्टर अरुण अ डीलर ऑफ नैनीताल, कहता है कि अरुण जो है वो नैनीताल का डीलर है, उत्तराखंड में उसका बिजनेस है। अब ये उत्तराखंड किस कैटेगरी में आता है? तो हमने याद है शुरू में तीन कैटेगरी बनाई थी, ए बी सी, तो उसमें से उत्तराखंड आपकी कैटेगरी बी में आता है, ये देखिए। और कैटेगरी बी के लिए जो लिमिट है वो कितनी है? 20 लाख। ये कब से एप्लीकेबल हुई? 1 अप्रैल 2019 से। उसके पहले उत्तराखंड में लिमिट क्या थी? तो उसके पहले 10 लाख रुपए की लिमिट थी। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि डिटेल्स रिगार्डिंग हिज टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर इज गिवन एज अंडर। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2019 के बाद उत्तराखंड की लिमिट 20 लाख, और 1 अप्रैल 2019 के पहले उत्तराखंड के लिए लिमिट थी 10 लाख। कहता है सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स कैलकुलेशन में लेना है, इन दी स्टेट यानी इंट्रा स्टेट, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज इन दी स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट लेना है, टर्नओवर की डेफिनेशन में ये आता है, सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स ये भी टर्नओवर की डेफिनेशन में आता है, इसे भी लेना है, सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड सर्विसेज इन दी स्टेट ये भी हमारे टर्नओवर की डेफिनेशन में आता है, इसे भी लेना है, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, इंटर स्टेट सप्लाई है किसका? एग्जेम्प्टेड गुड्स का। तो आप जानते हैं सेक्शन 24 में कहा गया है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन तब लगेगा जब आप इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करेंगे। यहाँ पे इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, मतलब सेक्शन 24 यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, अब इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज पे भी सेक्शन 24 में बाद में नोटिफिकेशन के थ्रू क्लेरिफिकेशन आया था। क्लेरिफिकेशन क्या था? तो वो ये था कि अगर इंटर स्टेट आप टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विस, सॉरी, अगर आप इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड सर्विस या टैक्सेबल सर्विस सप्लाई करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पे सेक्शन 24 एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पे टर्नओवर ही देखा जाएगा। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, अब ये देखिए यहां लग गया सेक्शन 24, ये पॉइंट सेक्शन 24 को क्वालिफाई करता है। पॉइंट क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, वो टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करता है। मतलब अब मैं ये बोलूंगा कि बेटा ये प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो गया, आपको टर्नओवर केवल इसलिए कैलकुलेट करके बताना है क्योंकि एग्जाम में उस पर मार्क्स मिलने वाले हैं। अदरवाइज तो आंसर रेडी है कि भाई एज पर सेक्शन 24 ही इज लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। लेकिन चलिए क्वेश्चन पे मार्क्स है, सॉल्व करेंगे। इस तरह का फॉर्मेट बनाना है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मेट बना सकते हैं। मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास में है सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स, तो ऐसा करता हूँ इसको थोड़ा और अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से लिखता हूँ, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर दो चार लाइन छोड़ के लिखता हूं, इंटर स्टेट सप्लाई
गुड्स एंड सर्विसेज ब्रैकेट में लिखता हूँ नॉट कवर्ड इन सेक्शन 24 और फिर लिखता हूँ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कवर्ड इन सेक्शन 24। चलिए अब प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। तीन कैटेगरी बना दी मैंने। कहता है सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन द स्टेट, टैक्सेबल माल बेचा स्टेट के अंदर 1 लाख रुपए का। लिखिए सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स कितना है तो 1 लाख रुपए का। उसके बाद है सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज इन द स्टेट, फिर से इंट्रा स्टेट वाला मामला है। सेल ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज टैक्सेबल सर्विसेज सेल की 50,000, 50,000 की। उसके बाद है सप्लाई ऑफ गुड्स एग्जेम्प्टेड इन द स्टेट 1 लाख, सेल ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स टर्नओवर की डेफिनेशन में आता है और ये है 1 लाख, 1 लाख रुपए का। उसके बाद है सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड सर्विसेज इन द स्टेट, सेल ऑफ एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, सेल ऑफ एग्जेम्प्टेड सर्विसेज 60,000। ये हो गया बेटा उसका इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। ये सारा टर्नओवर की डेफिनेशन में आता है। उसके बाद है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स 140, सेल ऑफ, मैं यहां पे एक बात ध्यान रखिए, मैं सप्लाई के जगह सेल लिख रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि उसने सेल किया है, आप चाहे तो सप्लाई वर्ड भी लिख सकते हैं। तो लिखा है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स 140, सेल ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स 140, 140। अब पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि अगर आप इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड गुड्स भेजते हो या बेचते हो तो ऐसी परिस्थिति में सेक्शन 24 अप्लाई नहीं होता, लेकिन वो टर्नओवर की गिनती में आता है क्योंकि हमें टर्नओवर में इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड सभी टाइप के गुड्स को कवर करना होता है। आगे लिखा है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज 2 लाख, सेल ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज 2 लाख। सेक्शन 24 ये कहता है कि इंटर स्टेट टैक्सेबल गुड्स अगर आप भेजोगे तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इंटर स्टेट टैक्सेबल सर्विसेज किसी को दोगे तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। आगे है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स ये है 50,000, 50,000। इसके अलावा और कोई पॉइंट दिया नहीं है, आइए जल्दी जल्दी इसकी टोटल लगा लेते हैं। एक, दो, तीन, 10,
ये हो गए 340 और ये हो गए 50, 3 और 3 6 और 1 7 लाख रुपए। ये आ गया आपका एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 7 लाख रुपीस का एग्रीगेट टर्नओवर। अब मार्क्स मिलेंगे बेटा आपको कंक्लूजन लिखने पे, वो बड़ा अच्छे से लिखिएगा, जैसे मैं लिखा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही लिखिए। आंसर पॉइंट नंबर 1, बिफोर 1 अप्रैल 2019 टर्नओवर लिमिट फॉर उत्तराखंड वॉज रुपीज 10 लाख। नंबर 2, आफ्टर 1 अप्रैल 2019 टर्नओवर लिमिट फॉर उत्तराखंड इज रुपीज 20 लाख। पॉइंट नंबर 3, हेंस एज पर सेक्शन 22 बेस्ड ऑन एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। नंबर 4, बट सेक्शन 24 सुपरसीड सेक्शन 22 इन दिस केस सेक्शन 24 इज एप्लीकेबल। इन दिस केस सेक्शन 24 इज एप्लीकेबल बिकॉज ही सेल्स इंटर स्टेट टैक्सेबल गुड्स, देयरफॉर इररिस्पेक्टिव ऑफिस टर्नओवर ही इज लायबल टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। 1 अप्रैल 2019 के पहले उत्तराखंड में टर्नओवर लिमिट 10 लाख थी, 1 अप्रैल 2019 के बाद ये बढ़ के 20 लाख हो गई। उसका टर्नओवर सिर्फ 7 लाख रुपए का है, मतलब दोनों ही केस में सेक्शन 22 में उसे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन सेक्शन 24 ये सेक्शन 22 को सुपरसीड करता है। और क्योंकि ये सेक्शन 24 यहाँ अप्लाई हो रहा है क्योंकि उसने इंटर स्टेट टैक्सेबल गुड्स बेचा है, तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा,
ही इज लायबल टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।